Welcome to all of you. As you all know, that we were discussing unit number four, and the topic of this unit is our environment. And today, we will complete it. So, in our environment, we had discussed many type of topics that is, food chain, food web, trophic levels, biodegradable, non biodegradable substances, ozone layer depletion, its consequences, and also about the

टेलीविज़न में अपने न्यूज़पेपर्स में कि और लोग जो हमारे आसपास होते हैं ठीक है हमारे एल्डर्स भी बोलते हैं कि इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट इज़ नॉट वॉट इज़ यूज टू बी एलिव कहते हैं ये इन्वायरमेंट जो था पहले ऐसा नहीं था ठीक है सो वो इन्वायरमेंट और इस इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है सो so, कुछ बोलते हैं कि आपका ये जो आप तरीका कर रहे हो जो आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो एक हेल्दी इन्वामेंट नहीं है सो so इन्वायरमेंट क्या होता है अगर बेसिक टर्म में इसको बोला जाए तो इस चैप्टर में आपने वही चीज़ पढ़ी है ठीक है इन्वायरमेंट क्या होता है आपके आस पास की सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हेल्प कर रही हैं उसको आप इन्वायरमेंट बोलते हो तो इस चैप्टर को जब आप स्टडी करोगे तो आप एक चीज़ आपने जब आपने देखा आपने देखा बहुत सारे ऐसे साइकिल्स हैं जो उसको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं जैसे हमारे बायोजिओ कैमिकल साइकिल्स हैं तो मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया ताकि आपको उसके बारे में जान बता सकूं मैं कि बायोजिओ केमिकल साइकिल्स क्या होते हैं जिसमें आपने पढ़ा था जैसे नाइन्थ आप पढ़ चुके हो ऑक्सीजन साइकिल कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल इवन वाटर साइकिल ये क्या करता है आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और आपके इन्वायरमेंट को मैंटेन करके रखता है ठीक है उसके साथ साथ ये जो साइकिल्स होते हैं ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मैंटेन करके रखते हैं अब इन्होंने बोला हुआ है वॉट हैपन्स वेन वी एड अवर वेस्ट टू द इन्वायरमेंट जब हम अपना वेस्ट इन्वायरमेंट में डालते हैं तो क्या होता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं ठीक है बहुत सी हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट जो हम बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करता है जो हम हम ऐसी फेंक देते हैं ठीक है तो क्या है वो वेस्ट मटेरियल तो क्या इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में आप हाँ जानोगे सो so, इन्होंने बोला है जब आप किसी चीज़ को फेंक देते हो तो क्या होता है और फेंकते क्यों हूँ उसके बारे में भी जानेंगे जैसे हम पढ़ चुके हैं लाइव प्रोसेस में कि जो खाना हम डाइजेस्ट करते हैं एनजाइम्स से वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद ब्रेक हो जाता है एबजॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में लेकिन फिर भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है ठीक है अब एन्जाइम्स उसमें क्यों एक्शन करते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं स्पेसिफिक होते हैं एक्शन परफॉर्म करने में कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं जो स्पेसिफिकली वही फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है ठीक है और ब्रेक डाउन करता है एक पर्टिकुलर सबस्टांस को सो so, वो जो आप खाना जो आप खा रहे हो उसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं तो बहुत सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो खाना आप यूज़ कर देते हो वो वहीं पे रहता है और जो खाना आप यूज़ नहीं करते वो आप रिलीज कर देते हो एन्वायरमेंट में तो इस तरह से आप भी एक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी एक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है उसी तरह से आप घर पर पॉलिथीन बैग्स यूज़ करते हो ठीक है प्लास्टिक्स तो ब्रोकर नहीं होंगे ठीक है प्लास्टिक्स नहीं टूटेंगे प्लास्टिक तो प्लास्टिक जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे तो उसको भी आप रिलीज़ कर देते हो इन्वायरमेंट में तो जब आप उनको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हो तो क्या होता है वो वैसे ही रह जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ऐड होते 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 बहुत सारा वो वेस्ट ऐड हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है इन्वायरमेंट में ठीक है तो मेरा कहने का ये मतलब था कि ये भी एक प्रॉपर्टी है ठीक है जो नुकसान हो जाती है तो इस तरीके से आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जो सबसे ज्यादा फैक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको बोला है ये आप पढ़ा पढ़ आपड़ चुके हो पहले का कि जो सबस्टांस जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको आप बोलते हो बायोडिग्रेडेबल और जो नहीं टूट सकते उनको आप बोलते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है सो so, अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो जो अगर थोड़े से ज्यादा अमाउंट में अगर इकट्ठे हो जाए तो आपके एन्वायरमेंट को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो एंजाइम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनजाइम्स रिलीज़ करते हैं उनके एक्ट के द्वारा वो क्या हो जाते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं और वो इन्वायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हम जब वेस्ट अपने इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं तो हम दो टाइप्स का वेस्ट इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो क्या करता है अपने आप डिकम्पोज हो जाता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाता है वो क्या होता है अर्थ में ऐड होता जाता है और ऐड होते होते क्या होता है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है ठीक है सो ये था अब आपको बोला है कि एक और टॉपिक था हम जान चुके हैं ट्रॉफिक लेवल्स ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन फूड चेन में जो स्टेप्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो ट्रॉफिक लेवल्स जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं प्रोड्यूसर्स आर द फर्स्ट लेवल्स प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर्स पहले ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं और प्रोड्यूसर्स अपना खाना बनाते हैं ठीक है जो वो खाना बनाते हैं उनको कंज्यूमर्स लेता है तो कंज्यूमर्स बिलोंग टू द सेकंड ट्रॉफिक लेवल और उन कंज्यूमर्स में कौन सा कंज्यूमर सबसे पहले आता है दैट इज हरबी वर्स सो हरबी वोर्स बिलोंग टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल फिर उन हर्बी वोर्स को जो खाते हैं दैट आर कार्निवर्स एंड दे बिलोंग्स टू द प्राइमरी कार्निवर कैटेगरी सो प्राइमरी कार्निवर्स आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल में तो इस तरह से जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो ट्रॉफिक लेवल तो अब इन्होंने बोला है क्यों ट्रॉफिक लेवल एक फूड चेन में लिमिटेड होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राफिक लेवल में फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल होते हैं वो तीन से चार ही होते हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं तो उन्होंने बोला है हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो फूड चेन होता है जो फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल होते हैं लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी यूटिलाइज बहुत बड़ा पोर्शन एनर्जी का क्या होता है वो यूटिलाइज होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिजम्स की मेंटेनेंस में यूज़ होता है ठीक है विच अकर्स एट द ट्रॉफिक लेवल एंड लॉस्ट एज हीट जो आप जानते ही हो पहले का कि जब भी टेन परसेंट लॉ फॉलो होता है तो टेन परसेंट एनर्जी कंज्यूम होती है वन ट्राफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर और नाइन्टी परसेंट जो हीट होती है वो एनर्जी होती है इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट सो so, इसके रिजल्ट से क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कम एनर्जी पास करता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और इसका मतलब लेस एनर्जी होगी उससे अगले वाले ट्रॉफिक लेवल के लिए ठीक है तो जैसे जैसे जितना लॉन्गर फूड चेन होगी लेसर एनर्जी अवेलेबल होगी ठीक है तो इसी वजह से जो फूड चेन्स होती हैं आपकी तीन या चार फूड स्टेप्स में तीन या चार उसमें ट्रॉफिक लेवल्स प्रेजेंट होते हैं तो सिंपल सा रीज़न ये है कि मैं अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ आपके लिए एक ट्रॉफिक लेवल ये आ गया एक ये आ गया एक ये आ गया एक ये आ गया और एक ये आ गया मान लो यहां पे थाउजेंड किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है थाउजेंड किलो जूल से पहले मैं आपको ना इस टॉपिक में दिया हुआ टॉप टॉपिक आपको ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए जैसा आप यहां पे देख रहे हैं ये है ग्रास ग्रास में मान लो थाउजेंड किलो जूल थाउजेंड जूल्स एनर्जी है ठीक है अब ग्रास को खा रहा है माइस सो माइस तो टेन परसेंट एनर्जी लेगा ना माइस टेन परसेंट अनर्जी लेगा तो माइस में कितना आ रहा है टेन जूल्स एनर्जी अब माइस को बाद में कौन खा रहा है स्नेक खा रहा है स्नेक में इसका टेन परसेंट आएगा दैट मीन्स वन जूल्स कितनी कम एनर्जी देख रहे हो होंड्रेड जूल से वन जूल्स होगी उसके बाद पिकॉक्स स्नेक को खा रहे हैं अगर तो वन जूल्स में जीरो पॉइंट वन जूल्स एनर्जी जा रही है दैट मीन्स आप देख रहे हैं कहाँ डिटेरियेट हुआ थाउजेंड जूल्स से एनर्जी पहुँच गई जीरो पॉइंट वन जूल्स में तो इसी लिए इसी वजह से ट्रॉफिक लेवल्स कितने होते हैं कम होते हैं तीन या चार स्टेप्स होते हैं आपके फूड चेन में अगर बड़े फूड चेन होती मान लो पिकॉक से भी एक और कोई ऑर्गेनिज्म है जो इसको खा सकता है तो उसके ऊपर कितनी एनर्जी रहेगी इसका आप टेंथ हिस्सा निकालो टेंथ हिस्सा जब आप निकालोगे तो जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट जो नेगेलिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है इतनी एनर्जी पास ऑन होगी तो उसकी वैल्यू आप नोट भी क्या करोगे क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है ठीक है सो ये था आपके ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन में लिमिटेड क्यों होते हैं तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जैसे व्हाट विल हैपन इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल अगर सब के सब ट्रॉफिक लेवल्स मतलब एक पूरे फूड चेन में से आप एक ट्रॉफिक लेवल रिमूव कर दोगे तो क्या होगा उसकी वजह से क्या होगा वो जो खाना होगा आपके इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आएगी सबसे पहली बात ठीक है जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ प्लांट्स ये मैं प्लांट्स की एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा कि क्या है जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे प्लांट्स ये आ गया माइस स्नेक एंड हॉक्स राइट सो प्लांट्स को, को जो खा रहा है दैट इज माइस ठीक है माइस को खा रहा है स्नेक स्नेक को खा रहा है हॉक अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइस को ख़त्म कर देता हूँ ठीक है सो माइस को ख़त्म कर दिया तो क्या हो गया प्लांट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा ठीक है प्लांट्स का अमाउंट जब बढ़ गया तो क्या हो जाएगा स्नैक को खाना कम अवेलेबल होगा स्नैक को खाना कम अवेलेबल होगा तो मानता हूं मैं स्नैक के लिए और भी खाने के सोर्सेज होते हैं पर यहाँ पर क्या होगा प्लांट्स का लेवल बढ़ जाएगा प्लांट्स का लेवल बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा जो स्नैक होगा उसको माइस नहीं मिलेंगी जब स्नक को माइस नहीं मिलेंगी तो स्नेक स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा और जब स्नेक स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा तो हॉक्स को स्नैक नहीं मिलेगा तो हॉक्स स्टारवेशन की वजह से मर जाएंगी तो होगा क्या सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स आपको मिलेंगे और एक पूरा का पूरा ट्रॉफिक जो आपका एक पूरी की पूरी फूड चेन थी वो क्या हो जाएगी इम्बैलेंस हो जाएगी सो ये था कुछ फैक्ट्स सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो एंड uh, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है सो क्लास इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम बाय मी सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे क्लास